अस्सलाम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आपका आज जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी की, उसका हमारा आज जो है 15th लेक्चर है। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अपने पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स की। जो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स थी, उसका पर्पज़ हमने बताया कि हमारे पास एक फर्म जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और सॉरी इट्स फर्म जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज और जो अपनी थ्रेट्स है उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्कैन करती है, उनकी लिस्ट बनाती है और फिर उन्हें क्वांटिफाई करती है। इस क्वांटिफिकेशन का मकसद जो है वो यही है कि फर्म अपनी जो करंट बिजनेस पोजीशन है उसको जो है वो एनालाइज कर सके, उसकी असेसमेंट कर सके। ठीक, तो एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स में हमने बात की कि हमारे पास जो है वो थ्रेट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कहाँ से आएंगी, थ्रेट्स हमारे पास कहाँ से आएंगी। हमने बात की कि हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं आपके पास, सोशल फैक्टर्स हैं आपके पास, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। ठीक, आपके पास जो हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बहुत से हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी आप अगर स्क्रीनिंग करें प्रॉपर तो आपके पास जो है वो एक लिस्ट बनेगी। ठीक है, एक्सटर्नल मैट्रिसेस की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि आपकी फर्म की बिजनेस पॉलिसी जो है या जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको इफेक्ट कर रहा है, वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर आपकी थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट में आ सकता है। अब जब आप स्कैनिंग करेंगे या आप मार्केट की आप स्कैनिंग करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आप असेस करेंगे, आप सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, कल्चरल फैक्टर्स देखेंगे, डेमोग्राफिक देखेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रेगुलेशंस देखेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंज देखेंगे, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट जो है फैक्टर्स की वो आपके पास बन जाएगी। अब मसला यहाँ पर आपके पास आएगा कि आपने उस लंबी लिस्ट में से किस तरह से जो है वो फैक्टर्स जो है सॉर्ट करने की, इस लंबी लिस्ट में से मेरे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैं किस किस तरह से जो है इन फैक्टर्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसका एक ईजिएस्ट वे ये है कि आप तमाम फैक्टर्स इनलिस्ट करें। ठीक है, फिर आप अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजी जो आपकी है, जो आपकी फॉर्म फॉलो कर रही है, उसको आप मैच करें उन तमाम अपॉर्चुनिटीज और उन थ्रेट्स के साथ। तो आपको पता चलेगा कि उनमें से कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपके बिजनेस स्ट्रेटजी से जो है वो मैच कर रही हैं। कि अपॉर्चुनिटी है वेदर योर बिजनेस स्ट्रेटजी इज टारगेटिंग और फोकसिंग और एड्रेसिंग दोज अपॉर्चुनिटीज और नॉट। अगर एड्रेस कर रही है आप उसे उठा लें। ठीक, इसी तरह से आपने थ्रेट्स हैं उनको भी आप उठा लें। एक आपके पास अगेन लिस्ट आएगी जो कि रिफाइंड होगी, जो आपकी बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजी से साथ जो है वो मैच कर रही होंगी और आगे बिजनेस जो है उन अपॉर्चुनिटीज और उन थ्रेट्स को एड्रेस कर रहा होगा। तो जब आपके पास ये लिस्ट आई प्रॉपर, अब इस लिस्ट के साथ आप क्या करें कि इस लिस्ट के अंदर से आप प्रायोरिटी सेट करें कि करंटली करंट पोजिशन के अंदर ये वाली चीजें जो है, ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, उसकी आप अगेन अलाइनमेंट करें और उन अपॉर्चुनिटीज को आप क्या करें प्रॉपरली लिस्ट करें। फिर इस तरह से थ्रेट्स को आप जो है इम्पोर्टेंस के लिहाज से उनको आप जो है टॉप, फिर मिडिल एंड फिर लीस्ट इम्पोर्टेंस के लिहाज से आप उनको भी आप क्या करें उनको भी आप रखें, उनको भी आप एड्रेस करें। तो ये आपके पास जो है लिस्ट आ जाएगी, दो आपके पास लिस्टें बनी। ठीक है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप 5 अपॉर्चुनिटीज रखें, 20 रखें, 10 रखें, जितनी भी आप रखते हैं आप उनकी एक लिस्ट जो है प्रॉपरली उनको आप बना लें। इस लिस्ट के बाद आपको फर्स्ट स्टेप जो लेना है वो आपको क्या करना है कि आपको वेट असाइन करने हैं। अब जो वेट आपके पास तमाम फैक्टर्स उनका हम सम अप करें तो तमाम फैक्टर का वेट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है अपना जो वेट देना है वो आपको पॉइंट्स में देना है। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, वट एवर इट इज, जो भी आप देना चाहें 0.05, जितनी आप उस अपॉर्चुनिटी की बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ इंपॉर्टेंट समझते हैं उस लिहाज से आप उसे वेट कर दें। बट जितने भी आपके पास थ्रेट्स के फैक्टर्स हैं या अपॉर्चुनिटीज की जो आपने लिस्ट से निकाली है उनको आप सम करें तो हमारे पास जो है आउटकम आपके पास जो है वो 1 आनी चाहिए। सम उनका 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा भी ना आए, 1 से कम भी ना आए, इक्वल टू 1 हमें उसे मस्ट करना है। उन तमाम वेट्स को इक्वल टू 1 करेंगे आप उसे। ठीक, उसके बाद आप उसे रेट करेंगे। रेट करना आपने 1 से लेके 4 तक। 1 का मतलब यह है कि आपकी जो बिजनेस की जी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज है वो उस अपॉर्चुनिटीज के साथ इन लाइन नहीं है। ठीक है, और अगर आप उसे 4 रेट करते हैं मतलब ये कि आपके बिजनेस पॉलिसीज जो हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज को जो है कैपिटलाइज प्रॉपरली कर रही हैं।
तो ये दो चीजें जिनको आप देखते हैं हमारे पास कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके दरमियान में जो आपके पास एवरेज पॉइंट है उसको हम कहेंगे 2.5 के बिजनेस की पॉलिसीज जो है एवरेजली जो है आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जो है वो क्या कर रही है वो एड्रेस कर रही हैं। फिर आपने वेटेड एवरेज निकालनी है जिनको आपने रेट्स और वेट जो है आपके पास, एक एक केस से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो अगर रेट है 1 to 4 है और आप जितना रेट चाहें किसी को देना चाहें वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई हमारे पास पाबंदी नहीं है कि हमारे पास इसका कोई सम वेट, अगर रेट का मैं सम करूं तो इतना सम आया, इसमें कोई ऐसा ऐसी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वेटेड एवरेज निकालेंगे आप किस तरह से, अपने जो वेट्स थे उनको आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, एक अपॉर्चुनिटी की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह तमाम को मल्टीप्लाई करें रेट्स को वेट के साथ तो आपके पास वेटेड एवरेज जो आती जाएगी और फिर उनको आप सम करें। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि जो आपके पास सम है वो आपके पास 1 से कम ना आए, मिनिमम आपके पास 1 आना चाहिए एंड जो मैक्सिमम है वो आपके पास 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 हमारे पास जो है वो किस चीज़ की मेजरमेंट है कि जो आपकी बिजनेस पॉलिसीज हैं वो बेस्ट एड्रेस कर रही हैं किसको, आपके अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को। अगर 1 है मतलब आपके पास के वो लीस्ट एड्रेस कर रही हैं, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स से जो है मैच नहीं कर रही, इस मतलब के यू आर नॉट प्रॉपरली कैपिटलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड यू आर नॉट प्रॉपरली एड्रेसिंग द योर थ्रेट्स। ये हमारे पास चीज़ें हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी यूनिलीवर की, उनका स्कोर 2.10 आया था तो हमारे पास एवरेज से भी बिलो था, तो मतलब वो बिलो एवरेज, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी वो बिलो एवरेज थी किससे, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी और थ्रेट्स थी उनको कैपिटलाइज करवाने में वो प्रॉपरली फ्रूटफुल नहीं थी। हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। हमारे पास जो भी बिजनेस, आप जिस किसी बिजनेस में भी हैं, ठीक है, आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने फाइनेंसियल लगाते हैं, बट आपका बिजनेस जो है उसका कोई ना कोई कम्पिटिटर जरूर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख्याल में तो कम्पिटिटर्स जो हैं वो आपके लिए हमेशा प्रोडक्टिव होते हैं कि आप एक्टिवली जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, आप कंपटीशन को एक्टिवली लेंगे तो आपके पास नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सर्वाइव करेंगे। अगर आप कंपटीशन को ऐसे थ्रेट लेंगे तो वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक। आप जो हैं एक अच्छा मैनेजर जो है वो नज़र रखता है अपने कंपटीटर्स के डिसीजन के ऊपर, उनकी स्ट्रेटजीज के ऊपर, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उनकी जो भी डिफरेंट टैक्टिक्स वो यूज़ करते हैं मार्केट के लिए वो यूज़ करता है, उसके हिसाब से अपना जो है वो प्रोएक्टिवली जो है वो डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है और प्रॉपरली अपने जो है इन्वायरमेंट को आगे जो फैसिलिटेट करता है। तो कंपटीटर जो हैं वो फ्रूटफुल होते हैं, कंपटीटर होने चाहिए, आप अपने बिजनेस में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स विदाउट कंपटीशन जो है वो मोनोपोली होगी और मोनोपोली में जो है आपके पास प्रोग्रेस नहीं रहती, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक डिसीजन के अंदर जो है जो आपके सीईओज हैं या जो आपके मैनेजर्स हैं वो मतलब के टोटली लेजी हो जाते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करते और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर जो है लॉन्ग टर्म में जो है सर्वाइवल मुश्किल, जबकि आपके पास कंपटीशन में आपको जो है एक्टिव रहना पड़ता है, आपको अपने कंपटीटर की स्ट्रेटजी सबको जो है प्रॉपरली देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है और उस लिहाज से फिर आप अपना जो है डिसीजन जो है उसे आप प्रॉपरली लेते हैं। तो हमारे पास जो अब कंपटीटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स है ये हमारे पास हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द फर्म्स मेजर कंपटीटर्स। फर्स्ट थिंग इज दैट हु आर योर कंपटीटर्स, ओके। सो CPM इज गोइंग टू हेल्प अस टू आइडेंटिफाई आवर कंपटीटर, दिस इज द फर्स्ट थिंग, and their strength and weaknesses, and then what are the strength of your competitor and what are their weaknesses in relation to a sample firm strategic position. जो भी firm है जिसके साथ आप अपने जिसके competitors हैं, for example आपकी firm है और आपके competitors हैं कुछ, तो उस firm की जो strategic position है market के अंदर strategically वो किस position के ऊपर है, ठीक है, अपने competitors की strength और weaknesses की base के ऊपर हम उसे decide करते हैं। तो दिस थिंग इज अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द कम्पिटिटर्स और आपकी अपनी जो स्ट्रेटजिक पोजिशन है करंटली मार्केट के अंदर उसको जो है क्वान्टिफाई करने में, अगेन दिस इज वेरी हेल्पफुल टूल, दैट इज कॉल्ड CPM। अब हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, दैट वट इज एक्चुअली दिस इज डूइंग CPM, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। Competitive profile matrix shows a clear picture to the firm about their strong points and weak points relative to their competitors. जिस तरह हमने बात की, the first most important thing in CPM is that it help you to identify your competitors. ठीक,
आप जिस बिजनेस में भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कंपटीटर्स। अब एक कंपनी है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट नहीं बनता। एक कंपनी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका कंपटीटर उस प्रोडक्ट के लिहाज से होगा। बट फॉर एग्जांपल हम यूनिलीवर ले लें, ठीक है, तो यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैमल आप ले लें, तो इनके ढेरों प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर जो है प्रोडक्ट लाइन है, ब्रांड है, ब्रांड के अंदर जो है पेरेंट ब्रांड्स हैं, फिर आगे उसके आगे और ब्रांड्स हैं, उसके आगे और भी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लक्स को देखें, लक्स के अंदर आपको जो है वो साबुन आपके पास लक्स है, लक्स के अंदर अगर देखें तो आपके पास उसके अंदर डिफरेंट वराइटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। लक्स में आपके पास पिंक कलर का लक्स भी है, ये येलो कलर के भी हैं, व्हाइट लक्स भी है, तो डिफरेंट आपके हिसाब से लक्स डिफ्रेंशिएट किए। अब ये लक्स के अंदर जो डिफरेंट वराइटीज आपको नजर आती हैं, या इवन आप शैम्पू के ब्रांड ले लें, शैम्पू के अंदर भी आपको डिफरेंट रेंज नजर आती है। एक प्रोडक्ट शैम्पू ही है, बट डिफरेंट उसके अंदर जो है जो उसके कंटेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो वो उसका जो हमारे पास जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होना, या डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो डिफरेंट है फार्मूला है, वो आपकी फॉर एग्जांपल लक्स को देखें तो लक्स स्किन टाइप के ऊपर फोकस करता है कि डिफरेंट स्किन टाइप के लिए अगर आप ऑयली है तो ये वाला लक्स यूज करें, अगर दूसरा है तो उसके दूसरे। अगर जिस जिस स्किन टाइप है, स्किन टाइप के लिहाज से उसने अपना प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट किया। एक ही प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे पास इनोवेशन है। सिमिलरली आपके पास पेंटीन है शैम्पू, देखें आपके पास डिफरेंट आपको जो है उसमें भी वराइटीज नजर आएंगी। तो स्किन टाइप, हेयर टाइप, ठीक है, जिसमें आपका है उस हिसाब से प्रोडक्ट आपका वेरी करता है। तो अब आप जिस भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आपको उस लिहाज से जो है अपना कंप्यूटर जो है आइडेंटिफाई करना है। जबकि एक बड़ी फर्म, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो कि एक प्रोडक्ट के अलावा नहीं बल्कि ढेरों प्रोडक्ट बनाती है, और फिर प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज भी आगे है, ठीक है, तो इस तरह के केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है कंपिटिटर्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के जो है वो डिफरेंट कंपिटिटर होगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रोडक्ट के कौन कौन से कंपिटिटर्स हैं, उनकी प्रॉपरली आप लिस्ट बनाएं, ठीक है। उससे आपको मार्केट में क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि आपको किस किस इलाके, किस किस जो आपके पास ब्रांड है उसके लिए ज़्यादा कम्पीट करना पड़ रहा है, और कौन से ऐसे ब्रांड है जहाँ पर आपके पास जो है वो कंपिटिशन जो है इतना हाई नहीं है। तो यहाँ से आपके पास एक ग्राफिकल आपके पास जो है वो आपको नजर आएगी, आपके कंपिटिटर्स की पिक्चर, कि आपके पास ग्राफिकली किस किस प्रोडक्ट से कौन कौन से जो है कंपिटिटर्स जो है उन्हें आपको कम्पीट करना पड़ रहा है, और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो है स्ट्रांग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल यू विल नाउ ऑन द सीपीएम इट विल हेल्प यू टू कंपेयर योर फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विद योर कंपिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो यहाँ से आपको कंपेरिजन पता चलेगा कि जो आपके हैं इस प्रोडक्ट के या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिहाज से आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आपके पास क्या है। यहाँ से आपको प्रॉपरली इस चीज़ का जो है वो अंदाजा हो जाएगा। इस जगह यहाँ से जब आपने पता चल गया आपके पास कंपिटिटर्स ये हैं, इन कंपिटिटर को रिलेटिव आपकी ये स्ट्रेंथ हैं, तो ये आपके पास वीकनेसेस हैं, देन वी शुड हैव टू परफॉर्म अ मैट्रिक्स। हम नेक्स्ट स्लाइड में से बात करेंगे। द सीपीएम स्कोर इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास सक्सेस फैक्टर है, फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कुछ सक्सेस फैक्टर्स होंगे जो आपको डिफरेंशिएट करेंगे आपको आपके कंपटीटर से, ठीक। तो जो आपका सीपीएम का जो स्कोर है, ऑफ कोर्स दिस थिंग इज अगेन दिस मैट्रिक्स अगेन विल हेल्प अस टू क्वांटिफाई द स्कोर्स वट एवर इट इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बेस पे हम करेंगे। तो हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करें, ईच फैक्टर इज मेजर्ड इन द सेम स्केल, मीन द वेट रिमेन सेम फॉर एवरी फर्म, ओनली रेटिंग वेरीज। दिस थिंग आपको अगर आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने उसे डिस्कस किया, उसमें हमने जो बात की थी उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है जो वेट्स हैं वो आप डिफरेंट असाइन कर सकते हैं अपने थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज को। बट यहाँ पर जो भी आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ठीक है, वेदर इट इज़ द वीकनेसेस, वेदर इट इज़ द स्ट्रेंथ्स, जो भी हैं आपने आइडेंटिफाई किया, उनको आपने वेट इक्वल करना है, बट जो रेटिंग उनकी है उनको आप जो है डिफरेंट रेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर वेट अगर ऑफ कोर्स सबका 0.10 है, तो सबको आपको 0.10 ही देना पड़ेगा। अगर
आपका, बट अगर आप रेट की बात करेंगे कि वो जो आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है उसको रेट करना है आपने कि वेदर दिस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द फर्म और नॉट, अगर वो फर्म की कोर कॉम्पिटेंसी है वो जो रिलेटिव जो आपका स्ट्रेंथ है, तो ऑफ कोर्स आप उसको जो है हाईएस्ट जो है वो वेट करें 1 to 4, ठीक है। अगेन हमारे पास जो है जो वेटेड एवरेज है जो मल्टीप्लाई करके आएगी रेट को वेट के साथ, उसका हमारे पास जो है स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट 4 ही आना चाहिए, मैक्सिमम जो है और मिनिमम जो है वो 1 है। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास सीपीएम के इंट्रोडक्शन में है, द बेस्ट थिंग अबाउट सीपीएम दैट इट इंक्लूड योर फर्म एंड ऑल्सो फैसिलिटेट टू एड अदर कम्पिटिटर्स मेक इजियर टू द कंपेरेटिव एनालिसिस। ऑफकोर्स यू आर लुकिंग फॉर द कम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपने कंपिटिटर्स आइडेंटिफाई किए, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आप देखी। नाउ व्हाट योर पर्पस इज फॉर सीपीएम, कि आपने अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको आपने कंपेयर करना है अपने डिफरेंट कंपिटिटर्स के साथ। तो आपके पास एक कंपिटिटर नहीं, बहुत से कंपिटिटर के साथ आप अपने क्या करते हैं कि सीपीएम आपको हेल्प करती है अपनी फॉर्म को कंपिटिटर्स की फॉर्म्स के साथ जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करने में। ये हमारे पास, हमने सीपीएम के 3 मेन पॉइंट डिस्कस किए कि आपके कंपिटिटर आइडेंटिफिकेशन, कंपिटिटर्स के जो स्ट्रेंथ है जो वीकनेसेस है उनके आइडेंटिफिकेशन, और इस बेस पर आप एक ग्राफिकली जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं एक फर्म्स की जो है एक फर्म स्पेसिफिक फर्म की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू इन सीपीएम विद देयर ऑन कंपिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इससे आपको अपनी फर्म की जो करंट पोजिशन है वो आपको पता चल जाएगी, कंपिटिटर्स के मुकाबले में आपकी जो फर्म की जो करंट पोजिशन है वो क्या है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने बात की कि यू हैव टू स्कोर, सीपीएम स्कोर इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर दीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन एक्चुअली। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर एक्सट्रैक्टेड आफ्टर डीप एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द फर्म। नाउ हियर द यू हैव टू वर्क मोर बिकॉज इन द एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स व्हाट यू डिड, यू ओनली आइडेंटिफाई द फैक्टर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल मैट्रिक्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बट हेयर यू हैव टू एड सम एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज यू आर नॉट ओनली गोइंग टू मॉनिटर और स्क्रीन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट यू ऑल्सो हैव टू स्क्रीन द इंटरनल एनवायरमेंट। आपको जो आपकी इंटरनल एनवायरमेंट है उसकी भी स्क्रीनिंग करनी है एंड साइड बाय साइड आपको अपनी इंटरनल एनवायरमेंट की भी स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि जो सीपीएम के अंदर जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, जो आइटम्स आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के अंदर डालेंगे, वो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी आएंगी और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी आएंगी, दोनों से आपकी चीजें जो आपके पास इनपुट आपको यहां से मिलेगी। तो यहां पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आपके पास इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी आएगी। सेकंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्वियसली देयर इज सम गुड एंड सम बैड फॉर द कंपनी इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द इंटरनल एनवायरमेंट। ऑफकोर्स कभी भी हर एक चीज आपके लिए सपोर्टिव नहीं होती, कुछ चीजें फर्म्स को ऐसी होंगी जो कि फर्म्स के लिए जो होंगी वो सपोर्टिव होंगी और फर्म के लिए अच्छी होंगी। हमने जो है उन अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई करना है और उनको हमने लिस्ट करना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि फर्म के लिए अच्छी नहीं होंगी एंड इट कम अंडर द बैड कैटेगरीज। आपने एक हॉनेस्ट ओपिनियन देना है, ठीक है, जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कम होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास अच्छे वर्कर्स भी, अच्छे एम्प्लॉयज भी होते हैं, मोटिवेटेड वर्कर्स होते हैं, सेटिस्फाइड वर्कर होते हैं, तो आपको एक अच्छा ओपिनियन मिलता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो बैड जो है चीजें उनको भी आपने लिखना है, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट फ्रॉम द इंटरनल एनवायरमेंट। जो चीजें फर्म के सपोर्ट में है वो भी लिखें, जो चीजें फर्म के सपोर्ट में नहीं है ऑफ कोर्स दे आर द थ्रेट्स, आप उनको भी लिस्ट करें। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, इट्स ऑल अबाउट द रेटिंग ऑफ दैट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। द हायर रेटिंग शोज दैट द फर्म स्ट्रेटजी इज डूइंग वेल टू सपोर्ट दीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। अगर आपके पास एंड रिजल्ट जो आपके पास है सीपीएम मैट्रिक्स का एक स्कोर आएगा, उस स्कोर को आपने देखना है। अगर वो स्कोर हाई है, फॉर एग्जाम्पल वी से दैट इट इज 4, इट्स मीन दैट द फर्म स्ट्रेटजी इज डूइंग वेल टू सपोर्ट दीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फर्म की स्ट्रेटजी होगी वो उन तमाम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को एड्रेस कर रही होगी
और अगर आपका स्कोर कम आता है, फॉर एग्जाम्पल वी से 1.5, इट्स वेरी लो स्कोर, दिस मीन दैट योर फर्म स्ट्रेटजी इज नॉट वेल डिजाइंड एंड इट इज नॉट एड्रेसिंग ऑल द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. सो देर इज अ नीड टू रिविजिट द स्ट्रेटजी अगेन समथिंग, एवेल्युएट एंड अगेन फॉर्मुलेट योर फर्म स्ट्रेटजी एंड देन इम्प्लीमेंट. आपको रिविजिट करना है अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस दोबारा से आप करें, क्योंकि आपका जो स्कोर 1.5 है वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है. ठीक है, और अगर हमारे पास स्कोर 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, दिस मीन दैट फर्म स्ट्रेटजी इज नॉट सक्सेसफुली एड्रेसिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. इफ लोअर इज द रेटिंग, दैट मीन दैट द स्ट्रेटजी इज लैकिंग टू सपोर्ट द फैक्टर्स, दैट फैक्टर्स आइडेंटिफाइड आर नॉट बींग सपोर्टेड बाय द स्ट्रेटजी, तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम बनेगा. अब जब आप रेटिंग करने लगे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रेटिंग का क्राइटेरिया जो है वो वहाँ तो 1 to 4 का बात बताई गई थी हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स थी. यहाँ पे हमारे पास हर एक को प्रॉपरली डिफाइंड कर दिए गए. हम इसको देखते हैं हमारे पास रेटिंग के अंदर क्या चीज़ है. रेटिंग इन द CPM रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म टूवर्ड्स द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. ऑफकोर्स 1, 2, 3, 4 इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्म, स्पेसिफिक फर्म फॉर to which we are actually comparing with our competitor. Highest the rating, better the response of the firms toward the critical success factor. Rating range from 1 to 4 and can be applied to any factor. हमारे पास 1 से लेकर 4 तक की रेटिंग है और वो किसी भी फैक्टर के ऊपर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं. There are some of the important points related to the rating in the CPM. Rating is applied to each factor. Of course, जितने भी आपने factors, critical success factors आपने identify किए हैं, हर एक को आपने रेट करना है. अब वो रेट किससे होगा. द रिस्पॉन्स इज पुअर, पुअर रिप्रेजेंटेड बाय 1. अगर आपके पास जो फर्म है उसका रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दोज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो पुअर है, अच्छा नहीं है, इट कम अंडर द बैड कैटेगरी, देन यू हैव टू रेट एज 1. द रिस्पॉन्स इज एवरेज, अगर रिस्पॉन्स एवरेज है देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.0 और 2 सिंपल. The response is above average represented by 3.0. The response is superior represented by 4. अगर response बहुत ही अच्छा है तो उसको आप किससे represent करेंगे, उसको आप represent करेंगे superior के साथ. ठीक, तो ये आपके पास यहाँ पे हमने rating को properly identify किया और उनको हमने properly list कर दिया. 1 का मतलब है poor, 2 का मतलब है average, जबकि हमारे पास external factor evaluation matrix में average कहाँ पर था जी बच्चों, जरा रिमाइंड कीजिए मुझे, बताइएगा. वहां पे हमने कहा था 1 जो है वो पुअर है, 4 हमारे पास क्या है वो आउटस्टैंडिंग है, और 2.5 हमारे पास क्या है एवरेज है. बट इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो 2 जो है वो क्या है एवरेज है, 3 हमारे पास अबव एवरेज है, और 4 हमारे पास क्या है वो सुपीरियर है या आउटस्टैंडिंग है हमारे पास. जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमने जो वेट असाइन करने हैं वेट हमारे पास किस तरह से होंगे. जिस तरह अगर मैं आपका थोड़ा ध्यान बार बार लास्ट लेक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्योंकि लास्ट लेक्चर से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रेलिवेंट हैं, बट थोड़े से कुछ डिफरेंसेस भी हमारे पास हैं. ठीक है, जिस तरह से हमने एक डिफरेंस नोट किया CPM के अंदर और एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स के अंदर, वो हमारे पास ये था कि वहाँ पर आपके पास जो वेट था वो आप अनइक्वली तमाम फैक्टर्स को, जो एलिमेंट थे आपके पास सक्सेस फैक्टर्स, जो वहाँ पर आपके पास थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज जो हमने फैक्टर्स ड्राइव किए थे एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स में, आप उनको अलग अलग दे सकते थे. बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर आपको जो है इक्वल जो है वो वेट असाइन करना है हर एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाइड को. ठीक, अब हम देखते हैं वेट के अंदर, वेट हमारे पास डिफरेंट है या ये भी सेम ही है. वेट attribute in CPM indicates the relative importance of a factor to being successful in the firm industry. Of course, rating बताता है कि उसकी relevancy क्या है, कि वो कितना important factor है उस firm के लिए, उसकी success के लिए. The weight range from 0.0 mean no important. यहाँ पर जो आपका weight है वो 0.0 का मतलब है कि वो important नहीं है, and 1.0 mean that it is important. And another important thing, that sum of all the assigned weight to the factor must equal to 1.0. आप जितना भी वेट दे रहे हैं
वो हमारे पास जीरो इक्वलेंट जो है वो आना चाहिए, अदरवाइज द कैलकुलेशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड करेक्ट। अदरवाइज आपके पास जो कैलकुलेशन होंगी वो भी कभी भी आपके पास जो है वो करेक्ट वो नहीं होंगे। वेटेड स्कोर हमने लास्ट में हमने बात की थी, जो हमारे पास वेटेड स्कोर है वो हमारे पास क्या है कि आपने जो है रेटिंग जो आपने की है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है आपने वेट के साथ। एक आपके पास वेट है जो कि जीरो से लेके वन की रेंज में है और दूसरा आपके पास रेटिंग है जो वन से लेके फोर की रेंज में है, ठीक। कोई भी आप रेट जो है वो साइन कर सकते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे पास आएगा वेटेड स्कोर। अब यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल्स बताई गई हैं। हमारे पास कम्पिटिटिव जो प्रिंसिपल मैट्रिक्स है, द सम ऑफ ऑल द वेटेड स्कोर इज इक्वल टू द टोटल वेटेड स्कोर, फाइनल वैल्यू ऑफ द टोटल वेटेड स्कोर शुड बी बिटवीन रेंज 1.0 टू 4.0। ऑफ कोर्स जो आपका वेटेड स्कोर है वो इक्वल होना चाहिए, लीस्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है 1 और जो मैक्सिमम है वो हमारे पास है 4। जो वेटेड स्कोर है वो आपके पास 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है लीस्ट रिक्वायरमेंट वो हमारे पास है 1, ठीक है। मैक्सिमम इज 4 एंड लीस्ट 1 इज 1। सेकंड पॉइंट हम देखें, द एवरेज वेटेड स्कोर फॉर सीपीएम मैट्रिक्स इज 2.5। एनी कंपनी टोटल वेटेड स्कोर फॉल बिलो 2.5 कंसिडर्ड एज वीक। तो हमने बात की कि हमारे पास एवरेज 2 से लेके 2.5 तक है और उसके अलावा सारे नंबर वीक्स हैं। अनदर पॉइंट, द कंपनी टोटल वेटेड स्कोर हायर देन 2.5 इज कंसिडर्ड एज स्ट्रांग इन पोजिशन। अगर आपके पास जो वेटेड स्कोर कंपनी का आया, हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कंपनीज की मैंने जो है वो स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए कि जो आपके पास डिफरेंट टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने कंपेयर किया है, हम देखते हैं उनको, तो हमारे पास वहाँ पे रिजल्ट्स भी आएंगे, हम उन्हें एनालाइज करेंगे, हम उनके फाइनल स्कोर्स भी देखेंगे। तो हमें ये देखना है कि अगर एक कंपनी का स्कोर जो है वो 2.5 है, 2.5 का मतलब ये है कि जो कंपनी की स्ट्रेटजीज हैं वो बेस्ट एड्रेस कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज को और जो आपका थ्रेट्स हैं उनको और जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो रेलिवेंट है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटजीज working in the firm already. The other dimension of the CPM is the firm with other highest total score considered as the winner among the competitors. You are comparing the competitors. आपके पास एक competitor है, दूसरा है, तीसरा है, आपकी अपनी company भी है, ठीक है, आप अपने आप को compare कर रहे हैं अपने competitor के साथ। तो यहाँ पर आप जो आपके पास जो भी competitor है जिसका score highest आपके पास आएगा उसको हम जो है वो consider करेंगे as an winner, ठीक है, कि इसके जो है कम्पिटिटिव एडवांटेजेस या कम्पिटिटिव एज जो है वो अपने कम्पिटिटर्स में जो है वो ज़्यादा है, वो हमारे पास लास्ट चीज होगी। यहाँ पर आप थोड़ा देखें तो आपके पास जो है वो तीन कंपनीज का जो है वो सीपीएम लिया गया है, जोंग यूफोन है, जोंग है एंड टेलीनॉर है। अब यहाँ पर जो यूफोन हमारे पास है वो कंपेरिजन कर रहा है अपना जोंग के साथ एंड टेलीनॉर के साथ। अब देखें आपके पास कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ सकते हैं, ठीक है। इंटरनल जो आपके पास एनवायरनमेंट है उसके अंदर से कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपको मिल जाएंगे और कुछ हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट से आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास हमने लिस्ट डाउन किए हैं कुछ फैक्टर्स, उनको हम देखते हैं हमने कौन कौन से फैक्टर्स लिए हैं तीनों टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास यूफोन है, जोंग है या हमारे पास टेलीनॉर है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितने कॉस्ट लगाते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है प्रोडक्ट के लिए, उसकी मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए वो कितना रोल प्ले कर रहा है, तो हम देखेंगे बाद में कि हमारे पास किस किस ने कितना कितना वेट इसको असाइन किया। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट क्वालिटी, यहाँ पे हमारे पास सर्विस क्वालिटी की हम ज़्यादा बात करेंगे कि जो भी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनकी जो सर्विस क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक। सर्विस क्वालिटी में आपके पास वॉइस क्वालिटी है, हमारे पास जो कनेक्टिविटी क्वालिटी है, जीपीआरएस का जो डाटा ट्रांसफर है
बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आपके पास जो हैं वो आपके पास प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर आती हैं। प्राइस कंपटीशन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये हमारे पास ऑफ कोर्स इंटरनल फैक्टर तो नहीं है, ये पास एक्सटर्नल फैक्टर है कि जो कंपनीज हैं उनके दरमियान में जो प्राइस कंपटीशन है वो कैसा है। आप ज़रा थोड़ा देखें कि आपके पास कंपनीज हैं उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, लेट नाइट पैकेजेस हैं, SMS की बकेट्स हैं, ठीक है, फिर कॉल के डिफरेंट पैकेजेस हैं, हमारे पास बहुत सारी जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट एंड प्री पे सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आप थोड़ा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हर कंपनी की जो प्राइस है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से। कहीं पर आपको SMS ज़्यादा मिल रहे हैं किसी के किसी बकेट के अंदर, कहीं पर आपको फ्री MMS मिल रहे हैं, कहीं पर आपको GPRS का डाटा जो है उसे मिल रहा है, ठीक है, रीलोड करने पे बोनसेस मिल रहे हैं, ये चीज़ें सारी की सारी आपके पास प्राइस कंपटीशन के अंदर आते हैं। फिर आप बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि फर्म की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजिशन की, जो फर्म जो है उसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, फर्म जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल भी है या नहीं, ठीक है, हमें इस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। तो हम तीनों फर्म जोंग यूफोन और टेलीनॉर के हम जो हैं फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी उनको हम वेट करेंगे, असाइन करेंगे, हम इसको इसके बाद डिस्कस करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी, किसकी कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा लॉयल हैं, लॉन्ग टर्म कस्टमर्स किसके पास ज़्यादा हैं, यूफोन के पास ज़्यादा हैं, जोंग के पास ज़्यादा हैं या टेलीनॉर के पास ज़्यादा हैं। फिर ग्लोबल एक्सपेंशन, कौन सी कंपनी जो है वो ग्लोबली एक्सपेंड कर रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं कर रही बल्कि उनके जो फ्रेंचाइजेज जो हैं वो डिफरेंट और कंट्रीज़ में भी हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास है मार्केट शेयर, कितना मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर किया हुआ है किस कंपनी ने, ठीक है। तो हमने तमाम जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं इनका हमने कंपैरिजन करना है कि इनके साथ तीन डिफरेंट कंपनीज के साथ, जोंग हमारे पास है, यूफोन हमारे पास है और हमारे पास टेलीनॉर है। हम वन बाय वन एक एक फैक्टर को देखते हैं कि कितना कितना वेट असाइन किया गया और किस के लिहाज से जो है कौन सी जो है कौन सी कंपनी जो है किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है। हम अगर एडवर्टाइजमेंट को देखें तो हमारे पास जो यूफोन है उन्होंने उसको वेट किया है 0.20, जो जोंग है उन्होंने 0.20 रेट किया है, और जो सबसे ज़्यादा स्कोर दिया है वो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट को वो दिया है टेलीनॉर ने, कि जो टेलीनॉर है उनकी जो हमारे पास जो सक्सेस है वो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा है। आप अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा जितने भी आइटम्स हैं आप इनके स्कोर्स को थोड़ा फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि टेलीनॉर ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपके पास जो स्कोर है वो इन्होंने दिया हुआ किसको, आपके पास यहाँ पर आपके पास जो वेट की बात कर रहे हैं हम, स्कोर को आप देखें आपके पास, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्कोर आपके पास टेलीनॉर ने दिया हुआ आपके पास एडवर्टाइजमेंट को उन्होंने दिया हुआ है। फिर हमारे पास जो है वो स्कोर हमारे पास आया, रेटिंग स्कोर हमारे पास आया, तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा उन्होंने दिया है 0.80। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी को आप देखें हमारे पास वेट 0.10 है, और जो रेटिंग दी गई है वो हमारे पास 4 दी गई है। आप 0.10 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो इससे हमारे पास इस तरह हर एक आइटम्स जितने भी हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हम निकाले हैं इनको हमने आइडेंटिफाई किया। हमने जैसा कहा था कि आपके जो वेट्स हैं आप अगर वेट्स को सम करें तो उनका जो सम है वो इक्वलेंट टू 1 आना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स थे इनके जो वेट हमने देखे और इनका जो इनके जो हमारे पास वेट है वो इक्वल टू 1 आया है। वेट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा दिया गया है वो हमारे पास है दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा वेट दिया गया है, एक हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एंड दूसरे हमारे पास है ग्लोबल एक्सपेंशन। रेटिंग जो है वो यूफोन ने किस तरह से की, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट की वो 1 है, प्रोडक्ट क्वालिटी 4 है, कंपटीशन 3 है, मैनेजमेंट 4, फाइनेंशियल पोजीशन 4, कस्टमर लॉयल्टी 4, ग्लोबल एक्सपेंशन 4 एंड मार्केट शेयर 1, ठीक। इस तरह जोंग ने भी किया। तो आप अगर थोड़ा नीचे स्कोर देखें आपके पास सम है टोटल के सेक्शन में आप देखें तो जो यूफोन का आया है वो हमारे पास आया है 3.15, ठीक, जोंग का हमारे पास आया 3.25 और जो हमारे पास टेलीनॉर है वो हमारे पास आया 2.80। तो अब आपने लेना है डिसीजन, डिसीजन आपका बेसिस पे होगा इस चीज़ के। हमने ये कहा था, मैं थोड़ा सा आपको जो है बताता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए,
हमारे पास अगर वन होगा, इसका मतलब ये होगा कि फर्म स्ट्रेटजीज जो है वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को बेटर वे में जो है एड्रेस नहीं कर रही, पोअरली एड्रेस कर रही हैं। अगर हमारे पास स्कोर फोर होगा तो हमारे पास जो ये डिसीजन जो हम लेंगे या जो हमारी इंटरप्रिटेशन होगी फोर से, वो या नियर टू फोर हमारे पास, तो हम कहेंगे कि फर्म जो स्ट्रेटजीज हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो प्रॉपरली एड्रेस कर रही हैं आपके पास किस चीज़ को, आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को। और एवरेज स्कोर जो हमने यहाँ डिसाइड किया, वो हमने किया है 2.5। अगर आपके पास स्कोर जो है वो 2.5 होगा, तो 2.5 का मतलब हमारे पास ये है कि जो आपके पास फर्म जो है, फर्म की स्ट्रेटजीज जो है वो एवरेज या अबव एवरेज, और मोस्ट आप टिल थ्री अबव एवरेज हमारे पास होता है कि एवरेज जो है उनके जो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एड्रेसिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो एक एवरेज है। वन इज द पुअर, 2.5 इज एवरेज, एंड फोर और नियर टू फोर इट्स अबाउट आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें द रिजल्ट्स, तो आपके पास एक चीज हमारे पास जो आ रही है, हमारे पास आ रही है 3.1, एक चीज हमारे पास आ रही है, हमारे पास आ रही है 3.15, जो हमारे पास यूफोन है 3.15, फॉर जोंग वी हैव 3.25, एंड फॉर टेलीनॉर वी हैव 2.80। अगर हम यू फोन की इंटरप्रिटेशन करें, इट्स 3.15, इट्स मीन दैट द कंपनी पॉलिसीज आर अबव एवरेजली एड्रेसिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। 3.25 अगेन अबव एवरेज, 2.80 इट्स एवरेज, समथिंग लाइक दैट, दिस इज एवरेज, यू से ओके लाइक एवरेज। इट मीन दैट ऑल दीज कंपनीज दे आर परफॉर्मिंग अबव एवरेज एंड दे आर एड्रेसिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन अ वेरी प्रोमिनेंट वे। बट इन सब में से जो सबसे बेस्ट है वो हमारे पास कौन सी है, 3.25। दिस थिंग इज जोंग। जोंग की जो हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं वो बेस्ट एड्रेस कर रही हैं उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को, एंड टेलीनॉर इज ओके, बट उनका जो है वो जोंग से जो है वो बिलो है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट निकलता है, वो हमारे पास यही निकलता है, जो टेलीनॉर है वो सबसे लीस्ट जो है वो, उसकी पॉलिसीज जो है सबसे लीस्ट जो है वो एड्रेस कर रही है आपके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को, और जो सबसे बेस्ट है तीनों में वो है जोंग। जोंग की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो सबसे बेस्ट एड्रेस कर रही हैं आपके पास किसको, यहाँ पर हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जोंग एंड यूफोन, दे आर ऑलमोस्ट नियर, बट हम स्कोर को हम नहीं छोड़ सकते, वन इज 3.15 एंड वन इज 3.25। सो जोंग जो है वो यहाँ पर जो है कंपेरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है हमारे पास किस से, यूफोन से और टेलीनॉर से। एज दिस स्टडी इज कंडक्टेड बाई यूफोन, यूफोन अपने जो है वो कंपिटिटर्स के साथ खुद को जो है मैच कर रहा है, तो यहाँ पर यूफोन को जो है वो, जो यूफोन का जो कंपिटिटर है यहाँ पर, वो हमारे पास कौन है, वो है जोंग, बिकॉज उनका स्कोर जो है वो उनसे ज्यादा है, एवरेज स्कोर जो हमारे पास है। बट टेलीनॉर जो है वो यहाँ पर कंपिटिटर है, बट स्कोर ऑलरेडी लो है, सो दे हैव टू मोर फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज, और दे हैव टू मोर क्लोजली लुक एट द एडवर्टाइजमेंट एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द जोंग। अब आप थोड़ा जोंग को यहाँ पर देखें कि हमने जो वेट थे वो हमने सबको इक्वली दिए हुए हैं, तमाम कंपनीज के लिए वेट एक ही है। एडवर्टाइजमेंट 0.20 वो जोंग के लिए भी सेम है, यूफोन के लिए भी सेम है, और टेलीनॉर के लिए भी सेम है। द ओनली थिंग विच इज डिफ्रेंशिएटिंग इट्स द रेटिंग, जो रेट किया जा रहा है वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट है। आप देखें तो जोंग के जितने भी हमारे पास आपके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सबको स्कोर किया गया 4, 4, 4 और 3, 4, 3। ओनली वन फैक्टर दैट इज द ग्लोबल एक्सपेंशन, दैट इज 2, इसको जो है वो 2 का फैक्टर दिया गया, ग्लोबल एक्सपेंशन पे वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, ठीक। तो उस वजह से आपके पास देखें हमारे पास के स्टिल रेटिंग हाई होने से जो है वो जोंग के जो है स्कोर जो है वो ज्यादा, और ये रेटिंग आप दे रहे हैं क्योंकि आपने उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा है, और एक हॉनेस्ट ओपिनियन जो है उसके बेस पे आपने ये मैट्रिक्स डिराइव किए। तो इस तरह से आप जो है अपने कंपिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अपनी फर्म का जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं अपने कंपिटिटर्स के साथ, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी
आपके कंपिटिटर्स को बेटर वे में जो है वो आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पर जो नंबर्स जो हमने पीछे हैं इनको हम थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। नंबर रिवील द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म्स। ऑफ कोर्स जो हमारे पास 3.15 है, 3.15, 3.25 और 2.80, दीज आर थ्री नंबर्स, दे आइडेंटिफाई द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म। ठीक, द एम इज नॉट टू अराइव एट अ सिंगल नंबर बट रादर टू एसिमिलेट एंड एवेल्युएट इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल वे दैट एड इन द डिसीजन मेकिंग। आपने जो है नंबर्स पे तो आना ही है ऑफ कोर्स, बट जो असल में जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो आपका ये होना चाहिए कि आपके पास जो ये डिफरेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको डिफरेंट कंपनी जो है वो किस तरह से परसीव कर रही है और कितना जो है उनके ऊपर वो फोकस कर रही हैं। लुकिंग एट दोज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर यू अगेन हैव टू रिवाइज योर स्ट्रेटजी। इनको आपने सिखाऊंगा अपनी स्ट्रेटजी है आपने रिवाइज करनी है। यहाँ पर एक और एग्जांपल जो हमारे पास डिस्कस की गई है हमारे पास उसको हम जरा देखें। तो हमारे पास तीन कंपनीज हैं, यूएस की स्टडी है ये। यहाँ पर जो है कंपेरेटिव जो हमारे पास कंपिटिटिव प्रिंसिपल मैट्रिक्स जो है वो डिज़ाइन की गई है और यहाँ पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स देखे गए हैं। और ये हमारे पास तीन बेवरेज इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। एक हमारे पास कोका कोला है, सेकंड वन इज द पेप्सी एंड द थर्ड वन इज द कैडबरी। तीनों हमारे पास बेस्ट कंपनीज हैं, इनकी जो है वो कंपिटिटिव प्रिंसिपल मैट्रिक्स जो है वो बनाई गई है। आप देखें यहाँ पर हम देखते हैं वन बाय वन के कौन से इन्होंने जो है वो की सपोर्ट फैक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, मे बी आपकी कोई ऐसी असाइनमेंट आपको मिले जिसमें आपको जो है तीन कंपनीज जो पाकिस्तान में सर्व कर रही हैं, नॉट द बेवरेज इंडस्ट्री एंड नॉट द टेलीकॉम इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, मे बी लुक सी इन हाउ वी शुड प्रोसीड विद दैट, कि आपने उनका प्रॉपर जो है वो सीपीएम जो है वो ड्राइव करना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है इन इन कंपनीज जो हमारे पास हैं, कोक है, पेप्सी है, कैडबरी जो हमारे पास, इनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल स्टडी से मैंने इसको लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट क्वालिटी, के प्रोडक्ट क्वालिटी जो है इनका की जो है वो सक्सेस फैक्टर एक हमारे पास है। ऑफ कोर्स पेप्सी और कैडबरी दे आर द बेस्ट इन देयर क्वालिटी। देन प्राइस अनदर फैक्टर, हमारे पास सक्सेस फैक्टर है क्रिटिकली, प्राइस का ज़्यादा होना, कम होना, ऑफ कोर्स कस्टमर को रिटेन रखना या उसको जाना, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज़ द मार्केट शेयर। ऑफ कोर्स तीनों कंपनीज जो हैं वो बहुत पुरानी हैं और मार्केट में बड़ा वेल नोन और एक अच्छा स्टेबल नाम है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं इनके, तो मार्केट शेयर ऑफ कोर्स डिफरेंट हर एक का। हमने फिर हमने किया एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कंपेन तीनों की कैसी है उसको आप देखें हमारे पास। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच दे आइडेंटिफाइड इज द कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर को रिटेन रखना सबसे मुश्किल काम है किसी भी बिजनेस के अंदर। कस्टमर लॉयलिटी को उन्होंने 0.06 जो है वो वेट दिया है, ब्रांड इक्विटी 0.08, देन वी हैव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म 0.06। ठीक, फिर हमारे पास है ग्लोबल प्रिजर्वेंस जो है वो कैसी है। वो ऑफ कोर्स दे आर द इंटरनेशनल ब्रांड्स और इनकी फ्रेंचाइजीज हैं 0.10, इनको अच्छा, इनको जो है ज़्यादा वेट दिया गया। देन कस्टमर सर्विसेज जो है आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उनका आपके पास क्या है फीडबैक है। देन व्हाट काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यू आर यूजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका कैसा है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें आपके पास सप्लायर्स भी आते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं। आपने ये चीज़ देखनी है कि जो सप्लायर नेटवर्क है वो आपका कितना सपोर्टिव है, वो कितने अच्छे तरीके से जो है आपके प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं कितने देर, आपका नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आपका इफेक्टिव नहीं होगा तो आपके पास मार्केट जो है वो प्रॉपर वे में कैप्चर करना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफकोर्स यहाँ पर किसी भी बड़ी फर्म में इवन इस चीज़ को ख्याल रखा जाता है आजकल कि यू आर सोशल रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग सोशली एज वेल। आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ दे रहे हो तो आप ज़रूर दें, बट यू हैव टू इनपुट सोशली, आपको सोशली इनपुट जो है वो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक, द लास्ट वन इज़ द प्रॉफिट मार्जिनस। प्रॉफिट मार्जिनस कैसे हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक फॉर द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड फिर।
अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ पर फैक्टर्स बताए गए हैं, इन फैक्टर्स में ये जो कंपनियां हैं ये किस तरह से, बिकॉज हर एक के लिए इक्वल वेट दिया गया है, तो कौन सी कंपनी किन किन फैक्टर्स को जो है वो ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो देती है। हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है इसको इसको वेट दिया गया है 0.10, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द कंपनीज के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए, क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहिए, और कस्टमर का जो फीडबैक है उसको हमें लेकर क्वालिटी को जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर करने, इसको अपने इम्प्रूव करने। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन कंपनी के सक्सेस फैक्टर जो है वो हमारे पास है प्राइस, के प्राइस को ये लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, ये इनका एक अनदर जो है सक्सेस फैक्टर है, और इसको ये लोग जो है वो देख रहे हैं प्राइस को हमारे पास क्या है। देन द थर्ड वन वी हैव अ मार्केट शेयर, के मार्केट शेयर इनमें से किसका ज्यादा है, लेट्स सी हमारे पास क्या रेट आता है उस हिसाब से देखते हैं हमारे पास, तो 0.12 एंड एडवर्टाइजिंग इज 0.12। अब तक हमने फोर फैक्टर्स जो हैं हमने देखे हैं, और इन फोर फैक्टर्स में आप देखें कि हमारे पास जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ऑफ कोर्स दिस फोर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो जो इनको वेट दिया जा रहा है वो ज्यादा दिया गया है सबसे, जो नीचे हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, तो जो स्कोर सबसे ज्यादा दिया गया वो दो फैक्टर्स आपके पास, एक आपके पास मार्केट शेयर है एंड द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग लिस्ट के अंदर लाया गया है, एंड ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सक्सेस वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। देन जो देखें कस्टमर लॉयल्टी 0.06 नॉट एज इम्पॉर्टेंट, देन ब्रांड इक्विटी इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट, देन द फाइनेंशियल पोजिशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ग्लोबल प्रेसेंस, जो ग्लोबली आपके पास प्रेसेंस है उसको 0.10, देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 0.10, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना नहीं दिया गया, प्रॉफिट मार्जिन को इतना नहीं दिया गया, हमारे पास जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इतना नहीं कैटर किया गया, कस्टमर लॉयल्टी को इतना कैटर नहीं किया गया। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हमें यहाँ से नजर आए हैं यहाँ पर प्रोडक्ट सक्सेस फैक्टर, देखें हमने जब लास्ट हम अपने जब सीपीएम को डिजाइन कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ चीजें बुरी होंगी, आपने सब की सब अच्छी नहीं चुन लेनी, आपने सब की सब बुरी भी नहीं चुन लेनी, आपने मॉडरेट रहना है, आपने जो ट्रुथ है जो एक्चुअल पिक्चर है उसको जो है आपने सामने लेकर आना है। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल को देखें तो हमारे पास जिस वक्त जो है वो छह इंपॉर्टेंट चीजें हमें नजर आई हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंपनी की सक्सेस फैक्टर है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमारे पास है प्रोडक्ट क्वालिटी, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास जो है प्राइस, बट इन सब में से जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है मार्केट शेयर एंड द थर्ड वन इज द एडवर्टाइजिंग। फिर हमारे पास ग्लोबल प्रिजर्वेंस है, फिर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आप अब तीनों कंपनीज का आप स्कोर देखें जरा, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, और इसको आपने इंटरप्रेट करना है, इसको आपने खुद इंटरप्रेट करना है। लास्ट एग्जांपल को मैंने इंटरप्रेट किया, आपने सिर्फ कंपनी का नाम लिखें अपने रजिस्टर के ऊपर और बताएं कि वेदर इट इज एवरेज बिलो एवरेज या आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तीनों कंपनीज का आप बताइए किसका क्या है, और फिर कोको कोला को क्या डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास रेटिंग स्कोर देखें यहाँ पर जो है वो 3-4, ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 3-4, 2-3-4। यहाँ पर आप देखें तो जो कोको कोला आपके पास है, जो कोक की फर्म आपके पास है, इसका जो है वो 3.66 है जो आपके पास वेटेड स्कोर है। अगर आप पेप्सी को देखें तो यहाँ पर आपके पास 3.48 का स्कोर आ रहा है, और अगर आप कैडबरी को देखें तो यहाँ आपके पास 2.88 स्कोर आ रहा है। यहाँ से जो हमारे पास आपके पास जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं आप खुद लिखिए, मैं आपके साथ जरूर इंटरप्रिटेशन में आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ पर जो रिजल्ट्स मेरे हिसाब में आ रहे हैं जो मेरे इसमें हैं वो हमारे जो मेरी न, मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन है वो 3.66, कोक इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग वेरी वेल, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं। 3.48 इट इज ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग ही है ये भी। जो हमारे पास लास्ट है ये हमारे पास अबव एवरेज है।
कैडबरी हमारे पास जो है वो अबव एवरेज जो है वो परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर बन रही है वो हमारे पास बन रही है 3.66, दैट इज कोक। कोक जो है इन सब में जो है वो बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रही है। सेकंड जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है 3.48, और ये भी हमारे पास कैडबरी से बेहतर है। और यहाँ पर हमारे पास है 2.88, इट इज़ ओके बट ओनली ओके। ठीक है, ये उस तरह से एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही। तो अगर हम यहाँ से रिजल्ट इस तीनों का निकालें तो हमें पता चलेगा कि जो कोक है वो इन तीनों में बेस्ट परफॉर्म कर रही है, बिकॉज जो कोक का स्कोर है वो है 3.66, इट इज़ बेटर देन 3.48 एंड 2.88। बट यहाँ पर थोड़ा सा कोक को जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पेप्सी का स्कोर है वो भी इतना कम नहीं है। 3.48 इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस फ्रॉम 3.66। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन में, जो कोक के कंपटीशन में जो है वो पेप्सी जो है वो बेस्ट है। तो पेप्सी जो है उसका कंपटीशन जो है वो फिर कैडबरी से ज़्यादा अच्छा है, कैडबरी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है पेप्सी, और कोक जो है परफॉर्म कर रही है पेप्सी से भी ज़्यादा अच्छा। बट दिस मार्जिन इज़ वेरी लो, 3.48। ठीक है, 3.48, 3.66 बहुत कम है, और किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पर जो है इस मार्जिन को जो है पेप्सी जो है वो कवर करके कोक के ऊपर एज ले सकती है। देयरफॉर कोक हैज़ टू रिटेन हिज पोजिशन। तो उसको अच्छी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, अच्छी तरह से उसको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि वो जो पेप्सी के जो इस करंट जो फर्क थोड़ा है इसको जो है ज़्यादा किया जा सके। कम्पिटिटिव इंडस्ट्री मैट्रिक्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। कम्पिटिटिवनेस ऑफ अ फर्म कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर एंड फर्म स्ट्रेंथ, वो हमने देखा। इन वेरिएशन बिटवीन द फाइनल स्कोर इज फाउंड अमंग द राइवल्स। अगर आपके राइवल्स हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर आप थोड़ा देखें तो आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो यहाँ पर स्कोर्स मिलेंगे। राइवल है पेप्सी, राइवल है कोक का एंड कैडबरी के, इस तीन एक दूसरे के राइवल्स हैं। हमारे पास जो भी स्कोर आएगा देन विद द हाइएस्ट स्कोर ग्रेटर देन गेटर, हाइएस्ट स्कोर गेटर हैज़ द ग्रेटर नेट कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड वाइस वर्सा फॉर द लोअर। अगर आपके पास स्कोर ज़्यादा है तो आपके पास मतलब ये होगा कम्पिटिटिव एडवांटेज जो फर्म का है वो आपके पास ज़्यादा है। बट अगर आपके पास स्कोर जो है वो कम है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो कैडबरी है उसका स्कोर जो है 0.2.88 है, जबकि जो पेप्सी है उसका स्कोर आपके पास 3.48 है, कोक का आपके पास 3.66 है। तो कोक का जो स्कोर है वो आपके पास कैडबरी से क्या है वो ज़्यादा है। कोक यहाँ पर कम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है पेप्सी के ऊपर एंड कैडबरी के ऊपर। तो हमारे पास कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कोक का जो है वो ज़्यादा है, किससे, पेप्सी से एंड कैडबरी से। एंड नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो आपके पास पेप्सी का जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ज़्यादा है, किससे, आपके कैडबरी से। द फाइनल स्कोर शोड दैट द कोको कोला इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स कंपिटिटर्स। ठीक, द पेप्सी एंड कैडबरी स्टेड ऑन द सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन विद द स्कोर ऑफ 3.48। अगर आपको याद हो तो जो कोक है आपकी उसका जो स्कोर है, कोक का जो कोको कोला का जो स्कोर था वो कितना था, 3.66। तो कोक को जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज है किसके ऊपर, पेप्सी के ऊपर और कैडबरी के ऊपर। कोको कोला हैज़ द हाईएस्ट स्कोर इन द इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ द इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स। सो हेयर वी कंक्लूड दैट कंपिटिटर्स जो कोको कोला है उसका कंपिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा है बनिस्बत के उसके जो बाकी जो दो कंपिटिटर्स हैं आपके पास उनकी बनिस्बत, जो राइवल्स हैं उनकी बनिस्बत। सो हमने यहाँ पे देखो बच्चों, हमने यहाँ पर इसको किया कि हमने सीपीएम मैट्रिक्स को सीखा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को सीखा। दोनों देखें आपके पास जो हैं वो क्वांटिफाई करती हैं, और एक न्यूमेरिक नंबर के अंदर एक आपको रिजल्ट देती हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास आती है, आपका डिसीजन जो है वो आसान हो जाता है। अगर आपके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए गए हों, ठीक है, और एक हॉनेस्ट ओपिनियन और एक बेस्ट बिलीफ के साथ किए गए, उनके रेटिंग और वेट प्रॉपरली उनको दिया गया हो, तो नो प्रॉब्लम, नो मैटर के आप बहुत आसानी के साथ जो है चीज़ों को जो है वो कैटर कर सकते हैं, और आप अपनी जो है
कंपटीटर्स से खुद को जो है कंपटीटिव एडवांटेज दिलवा सकते हैं। तो इट्स अगेन डिपेंड ऑन द मैनेजेरियल विजन, फिर मार्केट स्क्रीनिंग आपने एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनली उनको आपने कितना इन डेप्थ जो है वो स्टडी किया है, फिर आपने चॉइस ऑफ द फैक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने किस तरह से की। तो यहाँ पर हमने चीज़ें सारी एड्रेस की हैं आज के फैक्टर। आज के अंदर हम थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे आज इन चीज़ों को कि हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर जो है फोकस स्टार्ट कर देंगे। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा रीकैप करें अपने तमाम लेक्चर्स को, तो हमने स्ट्रेटजी भी बात की, हमने नेचर ऑफ स्ट्रेटजी की बात की, फिर हमने जो फोर्सेस हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया, फिर हमने एक्सटर्नल असेसमेंट स्टार्ट की कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होती है, नेचर ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट हमारे पास क्या होती है, फिर हमने उसकी स्क्रीनिंग से बात स्टार्ट की कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग किस तरह से आप करते हैं, और उस स्क्रीनिंग के साथ फिर आपने देखा कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। ठीक, हमने स्क्रीनिंग के अंदर हमने एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखी जो क्वांटिफाई करती है, फिर हमने CPM आज का हमारा टॉपिक था जो कि हमारे पास कंपटीटिव प्रिंसिपल मैट्रिक्स है, वो भी हमने क्वांटिफाई किया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो असेसमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो हमारे पास लेक्चर हमारे पास नेक्स्ट आएगा उसके अंदर जो है हम बात करेंगे अपने पास इंटरनल असेसमेंट के ऊपर कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम असेसमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमने एक्सटर्नल असेसमेंट के अंदर जो हमने फर्स्ट मॉडल पढ़ा वो हमारे पास था कंपिटिटिव एनालिसिस का, पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल। इसमें जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स थे जो हमने पढ़े 5, उनमें हमारे पास फर्स्ट जो था, इसमें कुछ एज सच क्राइटेरिया नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी आप इसमें ले सकते हैं। पोटेंशियल एंट्रेंट ऑफ द न्यू कम्पिटिटर, सेकेंड हमारे पास था पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जो थ्रेट है वो वाली, फिर हमने कहा था राइवलरी अमंग द कम्पिटिटर, ऑफकोर्स जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा कम्पिटिशन के ऊपर कम्पिटिटर प्रिंसिपल मैट्रिक्स वो इसी चीज़ के ऊपर था और बेस्ट इसके लिए बेस्ट फिट है। जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, एंड देन द लास्ट वन हमने बात की थी बार्गेनिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। तो ये हमारे पास 5 फैक्टर्स थे जिनको हमने कम्पिटिटिव मैट्रिक्स थ्रू कवर किया था। फिर हमने बात की थी इंडस्ट्री एनालिसिस की, फिर हमने बात की थी एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स की, दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स, और इसके तहत आप जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं वो आप इन फैक्टर्स को देखते हुए अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इनको आप कवर कर सकते हैं। फिर आज जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने बात की थी CPM की, कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द फर्म मेजर कम्पिटिटर्स एंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन रिलेशन टू अ सैम्पल फर्म स्ट्रेटजिक पोजिशन। आप अपने पोजीशन को कंपेयर करते हैं अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ, और आप किसके थ्रू कंपैरिजन करते हैं, आप अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को देखते हैं और उनको देखते हुए आप क्या करते हैं अपनी फर्म को जो है कंपैरिजन करते हैं अपने कंपटीटर्स के साथ। आज की समरी में हम यही बात करेंगे कि हमने CPM पढ़ा और दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द एक्सटर्नल असेसमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं वो हमने डिटेल डिस्कशन की, मैंने आपके रिकैप रिव्यू में भी डाल दी आज, और ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट की। हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को प्रॉपरली एड्रेस किया, समझा, पढ़ा, नेक्स्ट में हमने अब बात करनी है अपने पास इंटरनल इन्वायरमेंट की, इंटरनल इन्वायरमेंट की असेसमेंट कैसे होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो वेदर मेजरेबल हैं कि नहीं, क्वांटिफाई हम उन्हें कर सकते हैं या क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम उन पर बात करेंगे। हम नेचर ऑफ द इंटरनल ऑडिट बात करेंगे, रिसोर्स बेस्ड व्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज उसके बारे में एक व्यू है, हम उसको देखेंगे इन डिटेल। इंटीग्रेटिंग स्ट्रेटजी एंड कल्चर को हम स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, सो देर आर 7 डिफरेंट थिंग्स विच इंटीग्रेट दीज टू थिंग्स, हम उनको डिटेल जो हमारी डिस्कशन होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। नेक्स्ट हमारे 3 और 4 लेक्चर्स जो हैं इंशाल्लाह उसमें हम जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम असेसमेंट कम्प्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह एट एंड ऑफ द डे हमने जो है प्रॉपरली अपने इंटरनल असेसमेंट एक्सटर्नल असेसमेंट विजन मिशन डेवलपमेंट हमने बात कर चुकी, हम एंड तक इंशाल्लाह स्ट्रेटजी और हम
स्ट्रेटजी बनाना जो हमें बस एक्सटर्नल सेंस में इंटरनल असेसमेंट एक्सटर्नल असेसमेंट हमें स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेंगे एंड पॉलिसी इंशाल्लाह हम एंड तक हम बिल्कुल रिफाइंड हो जाएंगे और यू आर मैनेजर्स यू आर बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे आप ये तमाम टूल्स जो हैं अपनी फॉर्म्स में यूज करेंगे एंड विश यू गुड लक एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.